छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में टकराव जारी है। कल बघेल ने दिल्ली आकर राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और फिर छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि राज्य कांग्रेस के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने बघेल से ढाई ढाई साल सीएम के फॉर्मूले का सम्मान करने की बात कह डाली। और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? कांग्रेस पार्टी जो है ये प्यार की सेना है, राहुल और प्रियंका से 3.5 घंटे लंबी मुलाकात के बाद भूपेश बघेल जब मीडिया से रूबरू हुए तो यही जताने की कोशिश की कि सब ठीक है और उन्होंने राहुल को छत्तीसगढ़ का विकास दिखाने के लिए राज्य का दौरा करने का न्योता दिया। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, किसान मजदूर आदिवासी सबके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और उन योजनाओं से प्रभावित होकर राहुल जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे, विशेषकर बस्तर पहले प्रवास करेंगे, उसके बाद फिर अन्य जगहों में जाएंगे। लेकिन जब बघेल से ढाई ढाई साल पर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने मन की बात बता दी, लेकिन राहुल के मन में क्या है ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व का मानना है कि भूपेश बघेल को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ किए ढाई ढाई साल पर मुख्यमंत्री बदलने की आपसी समझ का सम्मान करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ढाई ढाई साल के सीएम का फार्मूला तय होने की खबर आई थी। ये तय हुआ था कि ढाई साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और ढाई साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी साल जून में जब भूपेश बघेल के कार्यकाल के ढाई साल पूरे हुए उसी के बाद से टीएस सिंहदेव गुट मुखर हो गया। खुद टीएस सिंहदेव टीम का कैप्टन बनने की बात कह चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो ढाई साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति अस्थिरता को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मन में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या तो काम करना है। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की क्या बात। वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे, 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। इस बीच छत्तीसगढ़ से करीब 55 विधायकों ने आज दिल्ली आकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इन सभी विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का भी वक्त मांगा है। इन सभी विधायकों के दिल्ली आने को भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव लड़ा था और आजादी के बाद इतनी बहुमत कभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिली थी, उतना जब बहुमत हमको मिला है तो वो विश्वास और आस्था जनता का वो कायम है। और ये सारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़े हुए चुनाव से सब विजयी होकर के आए हैं। 3/4 से अधिक बहुमत मायने रखता है। जहाँ तक जो छत्तीसगढ़ से जो विधायक हैं वो सब हैं, वो मिलने आए थे, मुझसे मिले और वेणुगोपाल जी से मिलने के लिए उन्होंने एसीसी कहे थे। उसके अलावा तो उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और वो कोई किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन या वो कर गए होते तो राहुल जी के यहाँ जाते या राठौड़ जी के यहाँ जाते, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, तो उस इरादे से आए भी नहीं थे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच गए हैं और सूत्रों के मुताबिक देर शाम उनकी भी बातचीत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। देखना दिलचस्प होगा कि भूपेश बघेल की कुर्सी बचती है या नहीं और अगर बघेल मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो मजबूत वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव बगावती तेवर अपनाते हैं या नहीं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।